अदानी ग्रुप के सामने पैदा हुई क्राइसिस अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। 24 जनवरी को ये रिपोर्ट आई और उसके बाद से अब तक अदानी ग्रुप के शेयरों में शुरू हुई गिरावट भी थम नहीं पाई है। ऐसा समझ लीजिए कि 24 जनवरी से अब तक अदानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ से ज्यादा खत्म हो चुका है। यानी इन्वेस्टर्स को इतनी तगड़ी चपत अदानी ग्रुप के शेयरों में लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने अदानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाया था उन्हीं के हाथ इनमें जले हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को भी अदानी क्राइसिस का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि कई म्यूचुअल फंड्स ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जनवरी तक तो इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट से इन म्यूचुअल फंड्स को तगड़ा रिटर्न पाने में मदद मिली। अब ये ही एक्सपोजर उन पर भारी पड़ रहा है। कई फंड्स ने तो इस वजह से अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट घटा दिया है। अदानी ग्रुप के शेयरों में इस गिरावट के चलते पिछले एक महीने में म्यूचुअल फंड्स को 6,200 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। यानी इन फंड्स में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स को इतने तगड़े लॉस को उठाना पड़ रहा है। पिछले महीने अदानी ग्रुप के शेयरों में म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25% यानी एक चौथाई गिर गई थी। दिसंबर 2022 के आखिर में अदानी ग्रुप में म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 25,187 करोड़ रुपए थी, जो कि जनवरी 2023 में घटकर 18,995 करोड़ रुपए पर रह गई थी। वेल्थटेक प्लेटफॉर्म फिजडम रिसर्च के आंकड़ों से इस बात का पता भी चल रहा है। गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनियों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर SBI म्यूचुअल फंड और निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड का था। इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 26% की गिरावट रही है। दिसंबर आखिर में SBI म्यूचुअल फंड्स के अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,600 करोड़ रुपए थी, जो कि जनवरी आखिर में गिरकर 4,124 करोड़ रुपए पर रह गई है। वहीं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 2,071 करोड़ रुपए का था, जिसकी वैल्यू अब घटकर 1,533 करोड़ रुपए रह गई है। इसी तरह से कोटेक म्यूचुअल फंड और ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 24% और 16% के करीब गिरी है। कोटेक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 2,329 करोड़ रुपए से घटकर 1,779 करोड़ रुपए रह गया है, जबकि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट 2,065 करोड़ रुपए से घटकर 1,735 करोड़ रुपए रह गया है। इसके अलावा UTI म्यूचुअल फंड के अडानी ग्रुप में 1,938 करोड़ रुपए अब घटकर 1,453 करोड़ रुपए रह गए हैं, जबकि क्वांट म्यूचुअल फंड के 1,276 करोड़ रुपए अब घटकर 947 करोड़ रुपए रह गए हैं। इसी तरह से HDFC म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिसंबर में 1,590 करोड़ रुपए थी, जो कि जनवरी के आखिर में घटकर 1,327 करोड़ रुपए रह गई है। फिजडम के आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड, टॉरस म्यूचुअल फंड और NJ म्यूचुअल फंड उन तीन फंड हाउसेज में से हैं जिनका अडानी ग्रुप के शेयरों में सबसे ज्यादा एक्सपोजर रहा है। इन फंड हाउसेज ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अपनी होल्डिंग को बेचा है, लेकिन अभी भी इनका एक्सपोजर 3% से लेकर 6% के बीच बना हुआ है। कुल मिलाकर अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग रूपी आफत ने जितनी खलबली शेयरों की सीधे खरीद करने वालों में पैदा की है, उतना ही परेशान म्यूचुअल फंड स्कीमों के फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स के लिए भी खड़ी कर दी है। कभी तगड़े रिटर्न देने वाले अडानी ग्रुप के शेयरों से अब हर कोई दूरी बनाए हुए है। अब देखना यह होगा कि अडानी ग्रुप इस क्राइसिस को कितनी जल्दी मैनेज कर पाता है, ताकि इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस के चेहरे पर चमक लौट सके।